नमस्कार, मैं प्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में एक दिन में कोविड 19 के 4518 नए मामले सामने आए हैं और देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,81,335 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 25,782 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 0.06% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 9 और लोगों की जान जाने के बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,701 हो गई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान जाने के एक सप्ताह बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। वो कल सिद्धू मूसेवाला के गांव मूसा पहुंचेंगे, जो पंजाब के मानसा जिले में स्थित है। मूसेवाला कांग्रेस के नेता भी थे और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने मानसा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि इसमें उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे विजय सांगला के हाथों 67,000 वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। इससे पहले आज सीनियर लीडर सचिन पायलट भी सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की थी। अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में बोलना भारी पड़ गया है। भारत ने उसकी टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि आपका रिकॉर्ड दुनिया ने देखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमने पाकिस्तान की तरफ से आए बयानों और टिप्पणियों को संज्ञान में ले लिया है। ट्रेन से यात्रा करते समय ज्यादा सामान लेकर जाने वालों को सावधान हो जाने की जरूरत है। दशकों से भारतीय रेलवे अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर उदार रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हवाई यात्रा की तरह ही रेलवे के यात्रियों को भी अब ज्यादा सामान लेकर जाने के लिए अतिरिक्त पेमेंट करना होगा। पैगंबर मोहम्मद पर बयानबाजी के मामले में भारत सरकार ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी सचिवालय के बयानों की निंदा की और साथ ही धर्मों के प्रति सम्मान दिखाने की बात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया था। कई खाड़ी देशों ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर की थी। हालांकि भाजपा ने प्रवक्ता को निलंबित कर दिया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एम सुब्रमण्यम ने रविवार को कहा कि राज्य में लिए गए नमूनों से कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA.4 और BA.5 वेरिएंट मिले हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद की एक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो गई है। सुब्रमण्यम ने कहा कि 150 नमूनों में से 12 हैदराबाद भेजे गए थे, जिसमें नए वेरिएंट के होने की पुष्टि हुई है और ये राज्य में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के उभार का संकेत है। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने बिजली संयंत्रों तक कोयले की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पिछले 3 महीने में 1900 ट्रेनों को रद्द किया है। RTI में ये भी पता चला है कि भारतीय रेलवे ने अलग अलग कारणों से 2022 में करीब 9000 रेलवे सेवाएं रद्द कर दी है। RTI एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौर के द्वारा दायर RTI के मुताबिक भारतीय रेलवे ने मरम्मत या निर्माण कार्य के लिए 6,995 ट्रेन सेवाओं को रोका है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को ऐलान किया है कि 2 साल के बाद इस साल फिर से हज यात्रा शुरू की जा रही है। इस साल 50,000 से ज्यादा भारतीय मुसलमान हज यात्रा पर जाएंगे। नकवी ने कहा है कि भारतीय यात्रियों को सऊदी सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं भारत सरकार की तरफ से हज यात्रा पर जाने वाले हर हाजी के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से जिंदल को भेजे गए एक पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर उनके विचार सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं और पार्टी की मूलभूत मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालयों के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्कों की विशेष श्रृंखला भी जारी की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, खासतौर पर उनके लिए जो रेल टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं। दरअसल इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने ट्रेन टिकट की बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब रेल यात्री 1 महीने से में पहले के मुकाबले ज्यादा टिकट बुक करा सकेंगे। नियमों को लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इससे सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा। इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीमों के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। फिलहाल 4 श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इसमें शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार, शुरुआत एवं जीवन यापन लोन शामिल है। लोन के आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी तक सब काम अब जनसमर्थ पोर्टल से ऑनलाइन होगा।
परिवहन के साधनों की गति जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे वैश्विक प्रगति उस पर निर्भर होती गई। पिछले लगभग दो शताब्दियों के मशीनी युग यानी कि औद्योगिक क्रांति का इतिहास देखें तो रेल, सड़कों और चलने वाले तमाम वाहन और समुद्री जहाज से लेकर विमान आदि की गति को तकनीक की मदद से बढ़ाने में व्यापक तौर पर मदद मिली है। ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से इनकी स्पीड में वृद्धि संभव हुई है। साथ ही तकनीक के विकास से इनकी क्षमताओं का निरंतर विस्तार होता रहा है। नए नए आविष्कारों की मदद से नई तकनीक आती गई है और हाई स्पीड के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। भविष्य में भारत सहित समस्त विश्व के सामने खाद्यान्न संकट से निपटने की बड़ी चुनौती होगी। साल 2050 तक दुनिया की आबादी 9.3 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्तमान में होने वाले कुल वैश्विक उत्पादन की तुलना में 30% अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन की जरूरत पड़ेगी। धरती की घटती उर्वरा शक्ति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटते हुए उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करना सभी देशों के लिए मुश्किलों का सबब बनने वाला है। देश के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्से फिर से लू की चपेट में आ गए हैं। कई कस्बों और शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, विदर्भ, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों तक लू चलने की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। जलवायु परिवर्तन का असर हर तरफ दिख रहा है। बढ़ती गर्मी और असमय बारिश के चलते लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि 21वीं सदी में हर महीने होने वाली औसत बारिश में 40 से 50 किलोमीटर तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके चलते बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में हर साल भीषण बाढ़ का सामना करने वाले इलाकों के क्षेत्रफल में 122% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। कोरोना विपदा सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मोर्चे पर अनगिनत घाव देकर गई है। आघातों की इस सूची में अभिभावकों को खो देने वाले बच्चों की पीड़ा सबसे बढ़कर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के माध्यम से कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और आर्थिक सहायता की घोषणा की गई, जिसका लाभ वर्तमान में बच्चे भी उठा रहे हैं। वर्तमान के अनेक सामयिक चुनौती और भविष्य की तैयारियों के दृष्टिकोण से भारतीय रेल का कायाकल्प करने की तैयारी पिछले लंबे समय से की जा रही है, परंतु इस दिशा में अपेक्षित कामयाबी अब जाकर हासिल हुई है। दरअसल भारतीय रेल यातायात सेवा, भारतीय रेल कार्मिक सेवा, भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय रेल सिग्नल और संचार इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय रेल भंडार सेवा जैसी सेवाएं अतीत में रही हैं। आरबीआई ने मौजूदा करेंसी नोट्स और बैंक नोट से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाए जाने की खबरों का खंडन किया है। आरबीआई ने इस बारे में एक बयान जारी कर कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक मौजूदा करेंसी और बैंक नोट्स में महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलकर कुछ अन्य लोगों की तस्वीर वाले नोट छापने की तैयारी कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि ऐसा करने के लिए हमने कोई प्रस्ताव नहीं तैयार किया है। भारतीय रेलवे ने IRCTC के लिए जरिए ही ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की अधिकतम संख्या बढ़ा दी है। रेलवे के फैसले के बाद आधार से असत्यापित यात्री भी महीने में 1 दर्जन टिकटों की बुकिंग कर सकेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने बिना आधार से लिंक वाली यूजर आईडी से 1 महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक करने की सीमा बढ़ाकर 12 टिकट करने का फैसला किया है। लद्दाख यातायात पुलिस ने अप्रैल के अंत तक नियमों के उल्लंघन को लेकर 1.50 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूल लिया है। अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटन बढ़ने से पहले यातायात नियम प्रवर्तन अभियान चलाया है, जिसके तहत ये जुर्माना वसूला गया। यातायात पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर अप्रैल 2022 के अंत तक यातायात अधिकारियों द्वारा 1,57,25,750 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ITBP के जवान सीमा की सुरक्षा तो करते हैं, इन दिनों उच्च हिमालयी क्षेत्रों में योग के जरिए लोगों को फिट रहने का संदेश भी दे रहे हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र आबी कामिन में 22,850 फीट से ऊंचे इंडो तिब्बत बॉर्डर पर शून्य से नीचे तापमान में ITBP के जवानों ने योग किया। इन दिनों जवान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 जून से पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। पार्टी के एक नेता ने इसकी जानकारी दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने रविवार रात यहां संवाददाताओं से कहा कि नड्डा के 7 जून की शाम यहां पहुंचने की उम्मीद है और वो अगले दिन संगठनात्मक बैठक करेंगे। आगामी अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की मदद के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बचाव दल तैनात किए जाएंगे। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि रामबान के पुलिस अधीक्षक मोहित शर्मा की अध्यक्षता में हुई एक सुरक्षा समीक्षा बैठक में राजमार्ग पर खासकर फिसलन वाले इलाके में बचाव दल तैनात करने का फैसला ले चुकी है। असम में बाढ़ की स्थिति में रविवार को काफी सुधार हुआ, हालांकि 2 जिलों में अब भी 40,700 से अधिक लोग प्रभावित हैं। एक आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बाढ़ के संबंध में दैनिक रिपोर्ट के अनुसार कछार और मोरीगांव जिले में 40,700 से अधिक लोग प्रभावित है। मोरीगांव सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 30,400 से अधिक लोगों को बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है।
रविवार को जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की है। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि हमने सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलकर पार्टी की तरफ से शोक संवेदनाएं प्रकट की है। भगवान सिद्धू मूसेवाला की आत्मा को अपने चरणों में स्थान और परिवार को दुख से बाहर आने में साहस दे। देश में बांधों की सुरक्षा का कानून लागू होने के 5 महीने गुजरने के बाद भी अभी केवल 6 राज्यों ने ही इसमें निर्धारित राज्य बांध सुरक्षा संगठन और समिति का गठन किया है। ऐसे में जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही मंत्रालय जल्द ही बांध सुरक्षा से जुड़े पक्षकारों के साथ संवाद भी करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। भारतीय पुरुष टीम ने रविवार को यहां मलेशिया और पोलैंड पर दबदबे भरी जीत से शुरुआती FIH हॉकी फाइव्स टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टीम को अभी तक किसी भी मुकाबले में हार नहीं मिली है। रविवार को उसने पहले मलेशिया को 7-3 से पराजित किया, जिसमें 4 गोल दूसरे हाफ में हुए और फिर दिन के दूसरे मैच में पोलैंड को 6-2 से शिकस्त दी गई। कोसी नदी में एक बार फिर से जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके साथ ही बिहार में बाढ़ आने की संभावना बढ़ने लगी है। इसको लेकर के प्रशासन ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि बिहार में हर साल मॉनसून के आने के दौरान बाढ़ की परिस्थिति भी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मॉनसून के आने से पहले ही बाढ़ की संभावना बढ़ने लगी है। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली है। हाल ही में गायक सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के बाद अब सलमान खान को धमकी मिलने के साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये धमकी किसने दी और ये लेटर किसने लिखा था, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी सलमान खान की सुरक्षा एहतियात के रूप में बढ़ा दी गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है जितेंद्र कुमार, नन्नू कुमार, सुमन सौरभ, किशन कुमार गिरी, गीता शर्मा, राजकुमार प्रसाद, सुमन सौरभ यादव, आरती राज, अभिषेक कुमार, गीता कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपका सबसे पसंदीदा टीवी शो कौन सा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।